भाकपा माले युवा आयशा नेताओं ने महिला एवं बाल विकास निगम के एमडी हरजोत कौर की घोर आपत्तिजनक बयान के बाद कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करने की बात कही है। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम और संदीप सौरभ, वहीं युवा एवं राज्य सचिव शशि यादव और आईसा, राज्य अध्यक्ष विकास यादव ने संबोधित किया। वहीं आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से वक्त संगठन के नेताओं ने कहा कि हरजोत कौर को एक प्रशासनिक अधिकारी का नहीं बल्कि भाजपा के प्रवक्ता की तरह और आरएसएस के नेताओं की तरह हरजोत कौर ने लगता है बयान दिया है। वहीं गरीब और मुफ्त खोरी की आदत है। भाजपा के लेकर हर सवाल उठाने वाले को पाकिस्तान भेजने की धमकी देती है। उसी तरीके से हरजोत कौर ने भी कहा, मैं उस लड़की को सलाम करती हूं जो बेबाक तरीके से ध्यान दे। सरकार का ये काम है, तुम कह रही है पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ। अब ये प्रशासनिक अधिकारी का वक्तव्य है या किसी आरएसएस भाजपा नेता की तरफ का ये व्यवहार है? इसलिए हम लोग मानते हैं कि हरजोत कौर जो एमडी के पद पर है उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी के रहते बिहार में महिला सशक्तिकरण की कोई योजना लागू नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से बिहार की गरीब महिलाओं का, गरीब बच्चियों का मजाक है, उनका अपमान है। पर्दा मेरा था तो कम से इतनी दूर तक नहीं जाती वो कि कल हो के तुम कंडोम का की मांग करो। बिल्कुल, सरकार जो है हमारी सरकार जनता की सरकार है और जनता के सरोकारों से हमारा गहरा रिश्ता है। और ऐसे जो आरएसएस मानसिकता के जो पदाधिकारी है अपने को सुधार ले, वरना उन लोगों को बिल्कुल सुधार दिया जाएगा। हम सरकार ने जांच का आदेश दिया है, मैं समझता हूँ जांच की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ओपन है, पब्लिकली डिक्लेयर हो चुका है। उस महिला को अविलंब उस पद से हटाया जाए और एक सख्त मैसेज जाना चाहिए। हमारी मीना जी जो पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, साथ साथ ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव एसोसिएशन महिला एसोसिएशन के महासचिव है ऑल इंडिया के, उन्होंने तमाम बातें कह दी। तो हम चाहेंगे कि ये मानसिकता इन लोगों को चारों तरफ से, हरजोत कौर कौन होती है, सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाली वो कौन है, सरकार ने जब पहले डिक्लेयर कर दिया है बिल्कुल सरकार चाहेगी कि तो उन्हें हम पैंट भी देंगे, शर्ट भी देंगे और पहनावा तो दे ही है सरकार। बच्चियों के लिए नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की विशेष दिलचस्पी है। बच्चियों को साइकिल दी गई, बच्चियों को पहनावा दिया गया और सैनिटरी पैड, नैपकिन वगैरह तमाम चीज की घोषणा है। और बच्चियां अगर हमारी और कुछ मांग करती है तो इसमें उसका नाजायज क्या है? किसकी सरकार है, किसकी संपत्ति है, किसकी दौलत है? ये लोग मौज मस्ती करेंगे आए सब सर, और हमारी जो है जनता खामोश तमाशा देखेगी? बिल्कुल नहीं। हम सख्त हिदायत देते हैं सरकार के एक सहयोगी संगठन होने की हैसियत से और विधायक दल माले के जो हम नेता हैं महबूब आलम, हम इन सवालों को जो सरकार विरोधी सवाल है और जो जन विरोधी सवाल मतलब मुद्दे हैं, प्रशासन के पदाधिकारियों को इनको चिन्हित कर रहे हैं, शिनाख्त कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी सवाल उठेगा और माननीय मुख्यमंत्री से भी हम मिलेंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिलेंगे। और ऐसा सरकार का ऐसा एक मैसेज जाना चाहिए कि ये जनता की सरकार, ये भाजपा की सरकार नहीं है। और हरजोत कौर तुम समझ लो, तुमको अगर ये देश रास नहीं आता है तो तू चले जाओ पाकिस्तान, तो तू जाएगी नहीं, अमेरिका चले जाओ, स्वागत तुम्हारा, इस देश में तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से अश्लील बयान, इस तरह से आरएसएस की मानसिकता का बयान, उसे रास नहीं आ रही हमारी सरकार, उसे रास आना होगा। अगर नहीं आएगा, ये लोग सबक नहीं सीखेंगे, इन लोगों को बिल्कुल बैठा दिया जाएगा इन्हीं सवालों के साथ, इन्हीं मांगों के साथ। अब मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हमारे आयशा के है उसको डिफेंड कर रही है पूरे लेकर, उनका कहना है कि हम तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाह रहे थे, पेट्रियार्की कॉमन सेंस से इनको बाहर निकाल रहे थे, तो आप महिलाओं को पेट्रियार्कल कॉमन सेंस से कैसे बाहर निकालेंगे कि वो अपना अधिकार न मांगे, ये इंश्योर करके आप उनको पेट्रियार्कल से बाहर निकालेंगे क्या कर? तो उनके अंदर वैचारिक रूप से कोई बदलाव नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के नाम पे एक माफीनामा दिया गया सोशल मीडिया में और उसके अंदर कोई कंटेंट इस तरह का नहीं है कि उनको इसका एहसास है। और जैसा कि मीना जी ने कहा कि शब्द का तो मामला ही नहीं है, कोई एक शब्द गलत उच्चारण हो गया ये मामला नहीं है,
स्लिप ऑफ टंग उसको नहीं कर सकते हैं, वो तो स्लिप ऑफ मेंटलिटी है, मानसिक रूप से ही वो भी पिछलन भरा रास्ता है। और उस तरह के रास्ता अख्तियार करने वाले कोई अधिकारी अगर बिहार में है और शीर्ष पदों पर जिम्मेदार पद पर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें माफीनामा के लिए कोई जगह मेरे ख्याल से नहीं है।